नगर पालिका के कर्मचारियों ने की पार्षदों से अभद्रता। नगर के 22 के 22 पार्षदों को बताया नकारा। श्योपुर नगर पालिका में इन दिनों अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां नगर पालिका सीएमओ की नगर पालिका से नदारद बने रहने से हितग्राही नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं नगर पालिका में सीएमओ की नदारद रहने से कर्मचारी भी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारियों द्वारा जनप्रतिनिधि नगर पालिका के पार्षदों के साथ भी अभद्रता की जा रही है, जहां नगर पालिका के कर्मचारी खालिद द्वारा नगर के 22 पार्षदों को नकारा बताया जा रहा है। वहीं कर्मचारी द्वारा अभद्रता किए जाने के बाद नगर पालिका की निर्माण शाखा में भी कर्मचारी और पार्षदों के बीच जमकर मुहवाद होने की घटना प्रकाश में आई है। वहीं कर्मचारी द्वारा नगर के 22 पार्षदों को नकारा बताए जाने की घटना के बाद नगर के पार्षदों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं आक्रोशित पार्षदों ने चेतावनी दी है कि नगर के 22 के 22 पार्षदों को नकारा बताने वाले नगर पालिका के कर्मचारी पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्षदगण नगर पालिका में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखना यह होगा कि पार्षदों के साथ अभद्रता करने वाले कर्मचारी के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती। वहीं कार्रवाई नहीं होने की दशा में पार्षदगण कर्मचारी पर कार्रवाई को लेकर आगे क्या रुख अपनाते हैं, इस पर लोगों की निगाहें लगी हुई है। शेरपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। स्थिति है, क्या बात हुई नगर पालिका में, किस कर्मचारी ने पार्षदों के साथ अभद्रता की? कर्मचारी बेलगाम घोड़े की तरह बेलगाम हो चुके हैं। अध्यक्ष से और सीएमओ की मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे। भ्रष्टाचार पिछले 2.5 सालों से जो चल रहा है उसको ही बावड़े होकर वो पार्षदों को नकारा बता रहे हैं। 22 ही पार्षद नकारा है, तो इसका मतलब जनप्रतिनिधि आए तो कर्मचारियों की इतनी हिम्मत होगी कि हम नकारा का भी दोगे? हम ये कहना चाहते हैं जिला कलेक्टर महोदय से, ऐसे कर्मचारियों को या तो ट्रांसफर किया जाए या उनको ऐसी जगह पे रख दिया जाए जो, अगर जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं होगा तो किसका सम्मान होगा? ये भाजपा या जिला प्रशासन ने यही समझाइश कराई है कर्मचारियों को, जिला प्रशासन ने, कि हम भी उनका सम्मान करते हैं और कर्मचारी हमारा सम्मान करें। जनप्रतिनिधि आए चुनके तो इसका मतलब थोड़ी हम बेइज्जती कराएंगे। 22 के 22 पार्षदों को नकारा बता रहे हैं ये, इतनी हिम्मत। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देर का वो संतुलन ना बिगाड़े। हम अभी भी सम्मान करते हैं कर्मचारियों का और आगे भी करेंगे, लेकिन इस तरीके से हमको नकारा बताएंगे तो हम आगे चलकर लामबंद हो जाएंगे 22 की 22 पार्षद और ताला ठोकने को तैयार रहेंगे। क्या कहना है, क्या कहने कहना चाहते हो? कहा उसने कि 22 पार्षद ही नकारा है। कौन कह रहा है ये बात? खालिद। कौन है ये खालिद? खालिद, ये देखो स्टाफ का फोन आ गया, नगर पालिका का कर्मचारी है खालिद। क्या कहते, क्या कह रहा है वो पार्षदों के बारे में? 22 पार्षद ही नकारा है, काम के लिए आते हैं 22 पार्षद ही नकारा है। किस बात को लेकर के उसने ये बात कही आपसे? उसकी कोई, मैंने उसको 6 नंबर वार्ड से वो पैसे लेता था, मैंने उसको हटवा दिया 6 नंबर वार्ड से, तो उसी दिन से वो अनसंग बातें कर रहा है। 6 नंबर वार्ड में किस पद पर पदस्थ था वो, किस कार्य के लिए पदस्थ किया था नगर पालिका? कार्ड वगैरह बनाता था वो, जो पूरे शहर के बनाता है, तो मैंने वार्ड नंबर 6 से बहुत सी शिकायतें थी उसके खिलाफ, तो मैंने उसको उस पद से हटवा दिया मेरे बाद से। तो वो कहता है कि ये उसी दिन से मेरे से अनसंट बोलने लग गया। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि वार्ड क्रमांक 6 में वो पदस्थ था तो लोगों से पैसे लेते था जी, इसको लेकर के आपने उससे वार्ड क्रमांक 6 से हटाया है, नगर पालिका जी की वार्ड 6 से, वार्ड 6 से हटाया। तो इस बात को लेकर के वो आज यहाँ तक पहुँच गया कि वो 22 पार्षदों को नकारा बता रहा और सभी के सामने ये अशब्द बोला। पूरी जनता मौजूद है, पूरे कर्मचारी मौजूद है, इंजीनियर मौजूद है, शेर के सदर साहब, बेटे सदर साहब, सदर साहब हमारे, सदर साहब आदरणीय हमारे अध्यक्ष प्रबंध दावेदार थे, इनको भी नकारा का 22 लोगों को ही नकारा बता रहा है कर्मचारी की, यानी ये देश की कर्मचारियों को खुली छूट है, ये खुली छूट है। जो क्या है, विपक्ष के लोगों को कोई भी तरीके से टारगेट करना चाहते हैं, जाति अपमान हो या कोई काम हो या कोई भी चीज, यानी उनको उनको अपमानित करना। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बात विपक्ष की ना करें, अपन ये बात करें कि पूरे श्योपुर शहर के जो 22 पार्षद हैं उनके बारे में उसका ये कहना है कि सभी पार्षद के सभी नाकारा है, सभी पार्षद नाकारा है, एक अध्यक्ष को छोड़ के, एक अध्यक्ष को छोड़ करके। क्या बात हुई थी और नगर पालिका के कर्मचारी ने किस प्रकार से यहाँ बैठे पार्षदों की बेइज्जती की थी, क्या कहना चाहते हो आप इसको? नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं सब अध्यक्ष के हाथों बंधे हुए हैं। अध्यक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष के जितने भी पार्षद हैं उनके काम हो। जब मैं यहाँ ऊपर आया तो एक अधिकारी खालिद नाम का वो यहाँ बैठा हुआ था, वो हमसे कहने लगा कि 22 के 22 पार्षद नकारा हैं
और एक को छोड़ के, जब हमारी बहस हो गई उससे, बहस होने के बाद उसने अल्फाज वापस भी लिए, जो वो तो जब तीर म्याम से निकल जाए तो वो जख्म कर देता, वो जख्म भरने में बहुत टाइम। मतलब कहने का ये है कि आपकी उसने बेइज्जती की, या जो आप हमारे जितने भी पार्षद है उनकी बेइज्जती की, और हमारा कहना यही है कर्मचारियों से कि जितने भी हम 23 पार्षद है और उसमें अध्यक्ष भी शामिल है, वो भी हमारे ही बराबर है, वो ये नहीं समझे कि यानी आपका कहना ये है कि सबसे समतुल्य व्यवहार किया जाए, सबका सम्मान किया जाए। सबका सम्मान होगा, हम भी अधिकारियों का हम भी सम्मान करना चाहते हैं। अभी तक हमें 6 महीने हो गए, हमने किसी भी एक कर्मचारी से कुछ भी नहीं कहा देता। हम चाहेंगे तो इस नगर पालिका के दोनों गेट पे ताले चल जाएंगे और कई महीनों तक ये नगर पालिका बंद रहेगी। सर, अभी नगर पालिका में पार्षदों को के साथ में आपके एक नगर पालिका कर्मचारी द्वारा भद्रता की गई और पार्षदों को नकारा बताया गया, इसको लेकर के पार्षदों ने आपकी निर्माण शाखा में, दोनों के बीच तूतू में भी हुई, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे संज्ञान में अभी भी ये बात आई है, हमारे सभी सम्मानित पार्षद जो बैठे हैं उन्होंने मुझे अवगत कराया है और मैं 2 दिन के अंदर उसके तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करूंगा और सम्मानित पार्षदों को भी अवगत कराऊंगा। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, ये हमारा एक परिवार है और सभी का सम्मान करना चाहिए, विशेषकर कर्मचारी आचरण नियमों से बंधे हुए हैं, शासन ने इसके नियम बनाए, उसका उन्हें पालन करना चाहिए। ये बड़ी शर्मनाक बात है और मैं निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई करूँगा और आपको आमंत्रित भी करूँगा अगली बैठक के लिए।